तारकों का एक छोटा सा ड्रम पड़ा था ना पुराना, तो बिल्ली भी थी इनकी, मदर भी थी जो, तो उसकी टांगे भी थोड़ी गली हुई थी, फिर वो फंस गई थी, फिर मैंने जैसे छुड़ाया था वो तो भाग गई ना, लेकिन ये बड़ी मुश्किल से निकाले, फिर इसने इतनी सारी तारकोल छुड़ा दी, लड़के ने काफी सारी छुड़ा दी, टांगे टूंगे अलग कर दी है। कि माँ थी उसको बड़ा बुरी तरह से निकाला मैंने, इतना इतना तारकोल था, पर काटने दौड़ी तो उसको फिर ये दो ही बच्चे अभी? हाँ दो बच्चे। ये दीदी बहुत ज्यादा बुरी हालत में है, सारे तारकोल के अंदर दबी हुई थी पूरा बॉडी, ये वाला पूरा दबे था ये। हाँ ये उसकी माँ अच्छी स्वस्थ है, पर उसका पीछे का जो है ना चमड़ी वो निकालते वक्त घिस गया, पर जब छुड़ाया तो एकदम अटैक किया उसने, बचा लिया अपने आप को, पर ऐसे घिसीट घिसीट के वो भाग गई। क्लियर कर देते हैं ना कि जिस हिसाब से उसकी कंडीशन है उनकी, तो गर्मी भी इतनी है ना। हाँ, और तारकोल की गर्मी हाँ, तो आप समझते हैं सर्वाइव आज अगर आज शाम तक कर गई तो कर गई, वरना मुश्किल लग रही है। इतना करने के लिए बहुत धन्यवाद, बच जाए जी। राज आपको दो बॉटल यूज करनी है नारियल तेल, दो बॉटल यूज करो, पानी की तरह यूज करो, लेकिन नारियल तेल बेस्ट सोल्यूशन है अभी। पहले दिन को इन्हीं से छुड़ाना पड़ेगा। विक्की हाँ, पहले तो यहाँ से कैसे छुड़वाऊंगी मैं इनको। ठीक है अभी आया है, बस ठीक हो रही है तो ठीक हो जाएगी। देखो छूटा तो है यहाँ से, गर्म पानी इन गोरू मेरे बच्चे, सॉरी पुत्र मैं क्या करूँ। हाँ हाँ बच्चा हाँ, वही तो कागज के साथ उखड़ रहा है। तेरे वो तो भी कोकोनट ऑयल से थोड़ी ठंडक पहुंचती है ना। हाँ वो भी है ना। तो दीदी एक ही दिन में उतर जाएगा ये? नहीं भाई आज थोड़ा ही उतरेगा ना। भूखे होंगे कल रात के ना। चलिए कितनी बोतलें लग गई सर अभी तक तेल की? ये दूसरी है अभी चल रही है। और भी किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं सर, मेरे को भी वो भागी सर, भागी जल्दी करो सर, जल्दी आओ। ये तो एक्टिव हो रही है, भाग जाएगी वो। ए मतलब ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आना है ना, मैं देखना चाहती तू क्या कर सकती है। मैं ग्लव्स पहन रही हूं ना, रुक जा फिर फंस जाएगी, बोल रही हूं मैं फंस जाएगी। दीदी इन बच्चों की मम्मी भी आ गई, भाग रही है, फंसी है ना, अग्रेसिव हो रही है, काट रही है। हाँ मतलब वो तो गुस्से में तो होगी ही है। बड़ी मुश्किल से पकड़ा इसको, इसकी जिस हिसाब से इसके पैर दिख रहे हैं, आगे तो ठीक है पैर, पीछे है इसके खराब। हाँ वो पीछे वाला दिख रहा है, छिलावा लग रहा है मेरे को। पकड़ा कैसे आपने अंकल जी इनको? ये लड़का है, अकेले पकड़ा मैं इसको। थैंक यू सर। पर बच्चों को तो हमने कर लिया, लेकिन माँ के साथ बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि अग्रेसिव है थोड़ी काटेगी सी। हम चाहे कितनी भी मदद करें लेकिन इसकी माँ को दिक्कत आएगी। चाहे इसके ये है कि इसका मुंह नहीं चिपका है, इसका पीछे वाला हिस्सा चिपका है, हम कल भी कर सकते हैं इसका ट्रीटमेंट, लेकिन खिलाना वो तो देखने। तो बच्चों को इसके साथ ही रखेंगे रात को? नहीं दीदी नहीं, बच्चों का साथ ही रखेंगे। यह कट्टे पे तेल लगा के रखी क्या तूने? वो खिंडे उठा के रखी ताकि ना वो और ना चिपके ना। अभी पंडित सारे काम ही तो कर रहे हैं, ऑयल रहेगा तो बॉडी पे ही लगेगा। दीदी बहुत बुरा हाल है, देखे झपट्टा ना मार दे। अभी तो तेल लगाया है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब तो इनकी जान में जान आई है ना थोड़ी सी, अभी तो चला रही है ना बोले ना। इसकी स्किन भी उतर गई है दीदी? वो तो निकलेगा ना, ये होगा फिर बाद में ठीक हो जाता है ना। ये पूरा एक दिन में नहीं निकलेगा, आज पूरा नहीं निकलेगा इनसे। कान के अंदर भी था दीदी इसके? ये देखो तभी तो कह रही हूँ मैं, फाइनली कान को साफ करने में थोड़ी सक्सेस हो गई। एक बार तो नहला देते हैं मेरे सब शैंपू से ना। नहीं हो रहा है, छोटी उंगली? हाँ छोटी उंगली में, यहीं पे दो जगह से कटा है। अच्छा छोटे छोटे से तुम कटवा लो, छोटे छोटे से लग रहे हैं तो सर क्या होगा, छोटी बिल्ली छोटे दांत छोटे घाव। अब तो काफी ठीक कर दिया दीदी आपने।
तो अब इनका डिसाइड हुआ कि रात को कैसे रखने वाले हैं, क्योंकि तो जहाँ भी रखने चिपक ही रहे हैं ना येलो सैक के ऊपर। वो क्या होता है सर? बोरे के ऊपर। बोरे भी नहीं चिपकते? चिपकेंगे पर छूट जाएंगे ना उससे जल्दी। इनके जो मेन पार्ट थे वो खोल दिए ना हमने। हाँ, पॉटी वाली हो गई, खुल गई है। सुसु पॉटी खुल गए ना। काहे परेशान करते हो बटवा हमें ऐसे तुम? हमने इन बच्चों को इनकी माँ के पास ही रखा है। अभी तो बच्चों की हालत तो काफ़ी ठीक हो गई है जब से आए थे तब से अब मैं, बट माँ का देखते हैं क्या होगा। माँ को भी देंगे ना खाना? तो ना, माँ का भी तैयार है, मैं इसको यहाँ बैठा दूँ पहले खाने के पास। लगभग साल पहले इसी हालत में हमारे यहाँ एक डॉग आई थी तारा, तो तब हमने तारपीन के तेल से उसका कोल तार छुड़ाया था और वीडियो में हमने कहा था कि भाई आप थोड़ा ध्यान से प्यार से काम करिएगा क्योंकि तारपीन के तेल से स्किन भी जलती है और ये ज्वलनशील भी होता है। तो किसी ने कमेंट्स में सुझाया था कि भाई वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल करिए इंस्टेड, तो हमने फिर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया है क्योंकि उससे जो स्किन है वो सूद भी होती है। वही है इसके बच्चे हैं। सिम्टम्स बहुत बढ़ गए हैं, जो माउथ का ट्विचिंग था सीडी है नहीं, सीडी ही है ऑब्वियसली, एकदम सिम्टम्स हैं इसको। इसको तो फिलहाल हम रविंदर जी का घर है ना जस्ट बाजू में, उनके घर के बाहर रखेंगे। बच्चों को हम यहीं रख रहे हैं इसी कैनल में। अब देखो पूरा ऐसे 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 हो रहा है सर। तो कोई भी वायरस होता है तो उसका स्ट्रेन एयर में हो सरफेस में हो ये रहता है ना 6 मंथ एटलीस्ट है ना। इस बार आउटब्रेक हुआ उसका स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था। राधा जैसी पिटबुल मतलब समझ रहे हो, हेल्दी है ऐसी बड़ी है, एकदम से सिम्टम्स फ्लरिश हुए हैं उसके। अभी बच्चों को भी अलग अलग करना होगा। बच्चों का तो सबसे ज़्यादा रहता है, अगर उनके आसपास कोई सीडी वाला डॉग नहीं भी है ना तो भी बच्चों में चांसेस होते हैं कि घरों में अगर ढंग से ध्यान नहीं रख रहे, इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप नहीं हो रहा है, तो वो पार्वो और सीडी जैसे वायरस बच्चों में सबसे पहले होते हैं ना। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि भाई जब आप एक डॉग को घर ला रहे हो होपफुली अडॉप्ट करके, तो आप उसकी वैक्सीनेशन यानी कि रेबीज़ और 6-in-1 ज़रूर कराएँ ताकि वो इन लाइलाज बीमारियों से बचा रहे। सर इसका भी प्रेगनेंसी टेस्ट को चेक कर रहे हैं? शी इज एम्प्टी, नो प्रेगनेंट इनसाइड। तो इसका रिलीज का फिर करते हैं ना जल्दी से जल्दी सर, तो फिर यहाँ गिर गिर जाएगी फिर दिक्कत होगी। तुम कर लो रिलीज, ट्रीटमेंट कर लो, तुम अपने पास रख लो। नहीं सर, जख्म तो बना लो, एक जख्म तो ठीक हो गया ना सर काफी आगे गर्दन वाला। हाँ जो अब नया लगा जख्म वो, ये तो आप जो जुगाड़ लगाते हो व्हाइट वाला सोडियम आयोडाइड क्या होता है वो, अगली को चलने में दिक्कत है मैं उसको जुगाड़ लगा के छोड़ दूँ। वेरी गुड। अब बाहर बांधने पड़ रहे हैं बैल, अगर इस तरीके से मैं रखूँगी तो फिर जो है उनको भी हम जितनी केयर चाहिए जितना दवाई चाहिए उतना मैं समय ही नहीं दे पाऊँगी ट्रीटमेंट के लिए। तो मेरी बात होती है ना, आपके लिए आसान है ना ये बोलना कि कर क्या सकते हैं, अभी सोचना हमको है कि मैं आपको कॉल बैक करती हूँ 5 मिनट में रुकिए। हालांकि उनका थॉट अच्छा था कि वो ट्रैवल कर रहे थे कहीं और जा रहे थे, उनको रास्ते में गाय दिखी, इंजर्ड है जो वजाइना वाला एरिया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक वुंड है मैगेट वुंड, उन्होंने फ़ोन किया होगा तो उस टाइम पे बात नहीं हो पाई होगी रेस्क्यू लाइन में, और उन्होंने ऑलरेडी गाड़ी में गाय को रखवा के भिजवा दिया बिना कंफर्मेशन के। होता क्या है ना कि हमारे पास समय भी तो नहीं है ना पूरी ट्रीटमेंट करने का, दिन भर भी काम कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट ख़त्म नहीं हो रही है। हेलो, गाड़ी में लेके आ गए हैं गाय को, सिर्फ ड्राइवर हैं साथ में, तो अभी क्या करना है, इसके घाव है मैगेट वुंड है पीछे वजाइना वाले हिस्से में। अब ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, तो हम कुछ कर लेते हैं जुगाड़ भाई, किसी बैल को जो पीछे रेजिडेंट काउ शेड में है वहाँ बांध आए, यहाँ जगह बना लिया, जो अभी बस आ रखी है जिसके हर्निया हो रखा है तो उसको अंडर कंस्ट्रक्शन वाले अस्पताल में बांध आए कि भाई जब उसकी सर्जरी हो जाएगी तो रिकवरी के लिए यहाँ ले आएंगे। तो हम ऐसे कुछ एडजस्टमेंट कर लेते हैं पर फिर हमारी जो परफॉर्मेंस है उस पर भी एक इम्पैक्ट आता है क्योंकि हम अपनी क्षमता से बाहर जाके काम कर रहे हैं। नहीं जब तूने इनको निकाला था आज सुबह तो चिपके हुए थे? नहीं, कल मेरा आइडिया काम आया सेक पे कोकोनट ऑयल लगाने का। तो ये जितना भी ये काला पड़ा ये अपना भी पड़ा रात रात में? हाँ, क्योंकि इस पे भी कोकोनट ऑयल था और इन पे भी वो कोकोनट ऑयल हमने लगा के छोड़ा था ना, तो आज सॉफ्ट हो गया अभी बहुत। कुछ तारकोलिन बच्चों के पेट में भी गया होगा, उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बहुत कम क्वांटिटी में गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज्यादा गया तो थोड़ी। जहर का काम करता है तारकोल भी काइंड ऑफ है?
इसको चाटना नहीं है तुम्हें, काटना भी नहीं है मुझे। भाई ये काटती है, ध्यान रखिए कल डॉक्टर साहब को काटा दे। हाँ कर तो रहे हैं बच्चा, रुको ही, प्यार से करेंगे, प्यार से मैं कर रही हूँ प्यार से। जो कल माँ का कलर था यही बच्चों का कलर, देसी वाला होता है, देसी वाला, देसी बच्चे, देसी कलर। मैं जो ये पैच पड़े हैं, स्किन उतरी है क्या, बाल उतरे हैं? ऊपर की जो बालों की लेयर होती है वो निकली है अभी ना। इनको थोड़ा वार्म वाटर से हम बाथ देंगे, इनको अभी हम खाना भी खिलाएंगे। गुड जॉब, अच्छा हुआ है, बहुत जल्दी खुद ही निकला है और प्यार से ही निकला है। ओ अंदर से उतरी प्यारी कोयलिया, कोयल की कुकू ने जादू सा डाला। धीरे धीरे डालिए इसके ऊपर, पहले यहाँ पे बेचारी सो रही थी, मेरे हाथ पानी आ गया। शैम्पू, अरे कितनी प्यारी खुशबू, खुशबू है आई बच्चा। ये तो चूहा है मरा हुआ है, ये कोई जानवर है इसके अंदर, और भी चीजें फंसी हुई है इसके अंदर। ये चूहे के चक्कर में गई है इसके अंदर, रुको इसकी स्किन, तभी इतनी गंदी स्मेल आ रही है। इसके ऊपर प्योर तारकोल लगा हुआ है, उसको उनका तारकोल था पर कम था। बस बस हो गया, हो गया, टांग तो चल रही है अभी, टांगे दोनों चल रही, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। मेरे हाथ में, तू कहाँ जाएगी बच्चा? बस तेरे बच्चों के पास छोड़ेंगे बेटा तेरे को, आज इलाज करने दे बस। ये ज्यादा चली हुई है ना, इसके यहाँ पर ध्यान दे रहा हूँ, अंगूठा है वहाँ पर भी चोट है ना इसके। आज वो खाना पीना नहीं खा रही ना ये, और डिहाइड्रेशन भी है तो इसलिए फ्लूड दे रही है इसका। इसकी हालत बहुत ही खराब है क्या राधा का? आज ज़्यादा खराब, आज इसने कुछ नहीं खाया, आज थोड़ी सुस्त लग रही है। प्राय बैठा, हॉस्ट पे रखना पड़ेगा, नहीं कोशिश करिए उठ जाइए। सर ये बैठी किसी के मारने की वजह से ये गिर गई थी क्या पता यार, एग्जैक्ट तो नहीं पता किसी को क्या हुआ। चल चल उठ जा बच्चा, मानसू बच्चा, मानसू खड़ी होना खड़ी। कल तो खड़ी होगी थी ना? हाँ कल तो दिन भर खड़ी रही है, उसका पीछे वाला हिस्सा जोर नहीं ले रहा ना। यहाँ ये जो लगी ये वाले उसमें मसाज करेंगे फिलहाल, तो सर डिहाइड्रेशन चेक करेंगे, उस हिसाब से फ्लूइड थेरेपी भी होगी इसके। चांसेस हैं खड़े होने के? खड़े होने की कोशिश बहुत खुद से काफ़ी कर रही है, पर इसको पिछले उस पर दर्द की वजह से नहीं खड़ी हो पा रही है। जिंदा है, जिंदा है, राधी ओए बच्चे उठ जा, उठ जा। हार्टबीट स्टॉप हो गई, नहीं चल रही, देखो ये वो वाली है जो पूरी तरीके से कवर थी, पूरी तरीके से। बाकी दोनों तुमने तो एटलीस्ट शाम को खाना खाया था, वो दोनों एक्टिव है, ये वाली नहीं थी, ये एक ही जगह पड़ी रह रही थी बस, इसलिए इसकी फ्लूइड थेरेपी भी चल रही थी। हिमांशी नहीं, नहीं बचा पाए हिमांशी, शुरू हुआ 3 दिन पहले से, पहले दिन वो बैठ गई ना, कल हमने इसको हॉइस्ट किया तो फ्लूइड्स दिए, फ्रूट्स खिलाए क्योंकि वो घास नहीं खा रही, वो भूसा नहीं खा रही थी, घास नहीं खा रही थी, फिर इंटरलाइट मिला के मतलब ओरल रिहाइड्रेशन के लिए इसको पाउडर पानी सब कुछ वो करवाया ना 3-4 बार दिन में, अंदर सफोकेट ना हो जाए रात भर में, दूसरे बैल हैं कुछ भी गड़बड़ ना हो, उस वजह से हमने इसको खुली हवा में रहे, तो यहाँ बाहर में मैट बिछा के पता नहीं क्या हुआ। किस चीज़ के लिए आई इधर? वून था उसके चेस्ट वाले हिस्से में, काफ़ी डीप वून था, तो समय लग गया हील होने में, वो तो हील हो गया ना, इन्फेक्शन भी था, वून हील हो गया था। तो इसलिए अभी हम दोबारा से वहाँ पे एक इंसिजन नहीं दे पाएंगे, तो इसके लिए हम थोड़ा सा टाइम देंगे इसको, और उसके बाद ही हम इसकी स्पेस सर्जरी करेंगे अराउंड 1-2 मंथ्स के बाद। या हम इसको रखेंगे अपने पास, हमारे पास ऑलरेडी डॉग है, हम देखते हैं कि हाउ दे यू नो कोऑपरेट विद ईच अदर,
और फिर देखेंगे, लेकिन फिर हम इसको अपनी स्पेस में ही रखेंगे। आपके डॉग है क्या? हमारे डॉग के साथ खेलती थी ये, तो धीरे धीरे फिर इसको कुछ लग गया शायद से, बाइक वाले ने हिट कर दिया। तो एक दो महीने से तो मैं एक 15 दिन से मैं स्प्रे लगाता रहा वुंड वाला, बट इट डिडंट हेल्प। तो फिर फाइनली वी डिसाइडेड कि वी कैन टेक योर हेल्प, तो आज वी आर हैप्पी कि आफ्टर 15 डेज वी आर टेकिंग इट बैक। पहचानिए देखो उसमें, अच्छा बस बस घर जाएंगे बच्चे, विक्टर के साथ खेलेंगे। जब चकुंदर हमारे यहाँ आई ना, तो जिस तरह वो शेक कर रही थी, वो देख के हमने कहा था कि ये डिस्टेंपर सर्वाइवर है और ये कुछ महीनों तक और डॉग्स को इन्फेक्ट कर सकती है, तो जो हमारे यहाँ के डॉग हैं वो खतरे में आ जाएंगे, तो इसका मौके पे इलाज कर देते हैं। पर जो उसकी रेस्क्यूअर थी उनकी कुछ मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से ऐसा हो नहीं पाया, और फिर इसकी कीमत जो है राधा ने चुकाई। मुझे लगता है हम में से हर कोई जो सामने है उसके दर्द का फिर भी सोच लेता है, पर जो आंखों से ओझल है उसके दर्द का हम नहीं सोचते, और तभी एनिमल लवर्स भी सिर्फ कुछ ही एनिमल्स का सोचते हैं।